अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से मैं हूं निमरा कंवल। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वफाकी कार्बन टैक्स के खिलाफ कनाडा भर में मुजाहरे फूट पड़े। कनाडा में कम से कम 15 मुकामात पर मुजाहरे जारी। ट्रूडो का कहना है कि मुखालफिन सियासत खेल रहे हैं। टोरंटो में मौसम में बहार के तूफान की पेशनगोई। आंधी, तेज़ बारिश, गीली बर्फ़ और मुमकिन बिजली की बंदिश का इम्कान। एनवायरनमेंट कनाडा के शहर में 50 मिलीलीटर तक बारिश की पेशनगोई। कनाडा में PIA की एयर होस्टेस रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तार। हैरान कुन इंकशाफ, जूतों में से मंशियात आइस बरामद होने पर हिना सानी को दोबारा गिरफ्तार किया गया। कैनेडियन इमिग्रेशन हुकाम उन्हें जल्द मुकामी अदालत में पेश करेंगे। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जजेस के खिलाफ बोलने से रोक दिया गया। ट्रंप ने जज की बेटी को हदफ तनकीद बनाया था। ट्रंप की एक बार फिर बाइडन पर तनकीद। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। Eco Fresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। Lito Immigration is a regulated Canadian immigration consultant. We deal in study, work, PNP and PR visas. Get startup visas, work permit and business visas. We rise by lifting others. Lito Immigration. वफाकी कार्बन टैक्स के खिलाफ कनाडा भर में मुजाहरे फूट पड़े। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। वफाकी कार्बन टैक्स के खिलाफ कनाडा भर में मुजाहरे फूट पड़े, जबकि कनाडा के वाहिद लिबरल सूबाई रहनुमा ने अखराज को कम करने के मुतबादल तरीकों पर तबादला ख्याल के लिए हंगामी इजलास तलब किया। वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो को लिखे गए खत में न्यू फाउंडलैंड और लेब्राडोर के प्रीमियर एंड्रयू फ्यूरी ने कनाडा भर के रहनुमाओं की हंगामी मीटिंग तलब की। ये दलील दी कि ये प्रोग्राम उनके सूबे के लिए बहुत महंगा है और इसके मुताबिक काम नहीं कर रहा है। इसके अलावा फ्यूरे वफाकी हुकूमत पर जोर दे रहे हैं कि वो बुनियादी ढांचे में जरूरतमंदाना सरमायाकारी करे और अमरीकी अफराते ज़र में कमी के कानून के मुशाबा मराद सार्फीन को अपनी आदात को तब्दील करने पर मजबूर करे। फ्यूरी ने लिखा, कोई मुतबादल दस्तयाब नहीं है, लिहाजा इस पॉलिसी का अहम मकसद अखराज को कम करना इस वक्त हासिल नहीं किया जा रहा है। ट्रूडो ने जवाब दिया कि जहाँ आलूदगी पर कीमत बढ़ रही है, इसी तरह कनाडा कार्बन रिबेट भी है। ये लोगों की जेबों में पैसा है, जबकि हम मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ जंग में आगे बढ़ रहे हैं। लिहाजा वो तमाम वज़राए आला जो आलूदगी की कीमत के बारे में शिकायत करने में मसरूफ़ हैं, लेकिन कोई ठोस मुतबादल पेश नहीं कर रहे हैं जो उनके ख्याल में उनकी बिरादरियों के लिए बेहतर होगा, सिर्फ सियासत खेल रहे हैं। ट्रूडो ने इस बात की तस्दीक नहीं की कि आया वो फ्यूरी की हंगामी मीटिंग की कॉल को मानेंगे। दरी असना कार्बन टैक्स के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज ने पूरे कनाडा में कम से कम 15 मकामात पर बड़े हुजूम और गाड़ियों को अपनी तरफ खींच लिया है। पार्लियामेंट हिल बल्कि मरकजी बैनल सूबाई शाहराहों पर भी एहतजाज जारी है। टोरंटो में मूसलाधार बारिशों, गीली बर्फ और ताकतवर हवाएं एंट्री के लिए तैयार हैं, जो बिजली की बंदिश का सबब बन सकती हैं। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। टोरंटो में मूसलाधार बारिशों, गीली बर्फ और ताकतवर हवाएं एंट्री के लिए तैयार हैं, जो बिजली की बंदिश का सबब बन सकती हैं। एनवायरनमेंट कनाडा ने शहर के लिए मौसम का एक खसूसी बयान जारी किया है, जिसमें कोलोराडो में कम दर्जा हरारत की वार्निंग जारी की गई है, जिससे मंगल को खित्ते पर असरअंदाज होने की तवक्को है। एनवायरनमेंट कनाडा के मुताबिक बारिश जो बाज़ औकात भारी हो सकती है, मंगल से बुध तक जारी रहने की तवक्को है। बुध की रात जैसे ही ठंडी हवा दाखिल होती है, बारिश घुल मिल सकती है या गीली बर्फ में तब्दील हो सकती है, जिससे जुमेरात की शाम को कम होने की उम्मीद है। एजेंसी का कहना है बुध तक हम 25 से 50 मिलीमीटर के दरमियान बारिश देख सकते हैं। माहौलियात कनाडा ने भी खबरदार किया है कि 70 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाएं बिजली की बंदिश का सबब बन सकती हैं। बुध को हवाएं कम होने की उम्मीद है। माहिरीन मौसमियात के मुताबिक अगले चंद दिन ड्राइवरों के लिए बहुत मुश्किल हो सकते हैं।
कनाडा में पीआईए की एयर होस्टेस हिना सानी को रिहाई के बाद जूतों में से मंशियात आइस बरामद होने पर दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। कनाडा में पीआईए की एयर होस्टेस हिना सानी को रिहाई के बाद जूतों में से मंशियात बरामद होने पर दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। तफसीलात के मुताबिक इब्तदाई तौर पर रिहा किया जाने के बाद अब उन्हें दोबारा गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। पीआईए के तर्जुमान ने हिना सानी की जेल मुंतकली की तस्दीक की है, तहम उनके खिलाफ मखसूस इल्जामात अभी तक वासे नहीं है। ये पेशरफ ईस्टर की तातीलात के अख्तिताम पर हफ्ते के दरमियान सामने आई है। तवक्को है कि कैनेडियन इमिग्रेशन हुकाम उन्हें जल्द मुकामी अदालत में पेश करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हिना सानी ने मुबैना तौर पर टोरंटो हवाई अड्डे पर तैनात पीआईए के दो दीगर अहलकारों फायजा जावेद और जमील का नाम लिया, जिन्होंने मुबैना तौर पर उनकी मदद की। इत्तलात के मुताबिक कैनेडियन इमिग्रेशन हुकाम ने फायजा और जमील से रात गए तक पूछगछ की और इस मामले में उनके मुमकिन मुलविस होने का अंदिया दे दिया। ख्याल रहे कि अगर हिना सानी को मुल्क बदर किया जाता है तो वो अमले की हैसियत से नहीं बल्कि मुसाफिर की हैसियत से पाकिस्तान वापस जाएंगी। गिरफ्तारी से कबल हिना को मुबैना तौर पर कैनेडियन हुकाम की जानिब से वार्निंग मौसूल हुई थी। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान की वफाकी तहकीकती एजेंसी ने मुबैना तौर पर पीआईए से राब्ता करके हिना सानी के मामलात के बारे में तफसीलात तलब की हैं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जजेस के खिलाफ बोलने से रोक दिया गया। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जजेस के खिलाफ बोलने से रोक दिया गया। अदालत ने अमरीका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप को गवाहों, प्रोसिक्यूटर्स, ज्यूरी और जजेस के अहले खाना के खिलाफ बोलने से भी रोक दिया। ट्रंप ने मैनहट्टन में मुजरमाना मुकदमे की समाअत करने वाले जज की बेटी को हदफ तंकीद बनाया था। रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार ट्रंप को फ्रॉड केस में अब $454 मिलियन जमा कराने की जरूरत नहीं रहेगी। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन अमरीका में होने वाले इंतखाबात में एक बार फिर आमने सामने आने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप और मौजूदा सदर जो बाइडन के दरमियान बयानबाजी भी जारी है। हाल ही में ट्रंप ने सदर जो बाइडन की हितक आमेज वीडियो शेयर करते हुए उन्हें शदीद तनकीद का निशाना बनाया। डोनाल्ड ट्रंप ने ये वीडियो अपने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर की। वीडियो में पिकअप ट्रक को हाईवे पर चलते देखा जा सकता है। पिकअप के पीछे जो बाइडन की तस्वीर दिखाई गई जिसमें उनके हाथ रस्सियों से बांधे दिखाए गए हैं, जैसा कि उन्हें अगवा कर लिया गया हो। बाइडन के तर्जुमान ने ट्रंप की जानिब से शेयर की गई तस्वीर को घटियापन करार देते हुए कहा कि ट्रंप बाकायदगी से सियासी तशद्दुद को हवा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है कि लोग इसे संजीदगी से लें, सिर्फ कैपिटल पुलिस अफसरान से पूछें जिन पर 6 जनवरी को हमारी जमहूरियत की हिफाजत करते हुए हमला किया गया था। टैग टीवी के पाकिस्तान स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। अपनी मेजबान निमरा कवल को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।